वो संदीप भाई, मैं एक मेरा मेरे मेरे जहन में आ रहा था, सवाल आ रहा था कि ये अगर जब सेकंड टेस्ट मैच में जब इंडिया ने टॉस जीता, अगर देखिए आपके पास पेस बॉलर हैं अगर चार पांच जो अच्छे हैं, जो आपके दूसरी टीम को आउट उन्होंने किया है पिछले पीछे भी, तो अगर वो टॉस जीत कर बैटिंग बॉलिंग कर लेते तो ज्यादा ज्यादा फायदा नहीं होता इंडियन टीम को, क्योंकि थोड़ी सी विकेट भी थोड़ी सी इजी हो जाती, क्योंकि आपके पास बॉलर है अगर आप दोस्त। हाँ? आप पहले टेस्ट की बात कर रहे हैं, नहीं, दूसरे टेस्ट मैच की, क्योंकि जो वो देखिए टेस्ट, कंडीशन तो उन्होंने चेंज डिफरेंट ही थे, बिल्कुल गेंद तो सीम कर रहा था, कैरी भी कर रहा था, तो टॉस जीत कर अगर आप उनको बैटिंग करा देते तो शायद हो सकता था कि रिजल्ट भी डिफरेंट होता, क्योंकि अगर हम उनको 200 में आउट कर लेते, अगर हम उनको हम 200 250 रन तो बना ही सकते थे। देखिए इसके जो पहली टेस्ट थी, पहले पहले टेस्ट के पहले दिन में तो बहुत ओवरकास्ट कंडीशंस थी, जो सेंचुरी में थी, जो मैच हमने जीती, मैं तो सेकंड उस टेस्ट पर मैच की भाई, बात कर रहा हूं। हाँ नहीं, पर मैं उसी पर आ रहा हूँ, पर जिस तरह से उन कंडीशंस में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करके 270 रन बनाए पूरे दिन में, 270 के लिए सिर्फ 3 विकेट थी, उससे शायद भारतीय टीम को ये कॉन्फिडेंस आ विश्वास गया। होता, कॉन्फिडेंस था कि इस पिच पर, जोहानिसबर्ग की जो दूसरी टेस्ट मैच थी वहां पे कंडीशंस इतनी खराब नहीं थी, ऊपर मतलब जो ओवरकास्ट कंडीशंस पहले टेस्ट के लिए थी वैसी कंडीशंस नहीं थी। हाँ, थोड़ी सी ओवरकास्ट थी, पर इतनी ज्यादा नहीं जैसे कि सेंचुरियन में। तो जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, उसी की वजह से शायद उन्होंने सोचा होगा कि इस बार भी हम पैरी खेलेंगे। और जब भारतीय टीम के पास अच्छे स्पिन बॉलर हो, जैसे अश्विन जैसे एक दिग्गज स्पिन बॉलर हो, तो वो आप हमेशा ये चाहेंगे कि दूसरी टीम को चौथी पारी खेलनी होगी, जहां स्पिन का भी आपको फायदा उठा सकते। एक कमेंट आया है, जस्ट डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक एंड मैं फिर एक सवाल पूछूंगा आप तीनों से। राजन थिंड का कमेंट है, ही इज सेइंग सनी भाई इज अ अंडररेटेड सुपर मिमिक्री आर्टिस्ट, उनका एक कमेंट है, मैंने सोचा ये ले लूं। अभी तो उन्होंने अपना पूरा रेंज आपको दिखाया नहीं है, अभी तो एक छोटा सा नमूना पेश किया, अगर वो फुल रेंज दिखाएंगे तो ठीक आप तो और कमेंट भेजेंगे आगे, वो किसी और दिन के लिए हम रखेंगे, एक ही दिन सारी चीजें हम आपको नहीं दिखाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है साई भाई, क्योंकि हम बॉडी लैंग्वेज को लेकर बात कर रहे थे ना, इंडियन टीम थोड़ी डाउन सी नजर आ रही है, क्या इस इंडियन टीम को रीबूट करने की जरूरत है, थोड़ा टाइम ऑफ लेके थोड़ा रीस्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है, अप्रोच देखने की जरूरत है, और अगर वो जरूरत है तो कब करेंगे? अभी तो नॉन स्टॉप क्रिकेट है आपका, वेस्ट इंडीज आएगी, श्रीलंका आएगी, फिर आईपीएल आएगा, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया आएगी, यहाँ पे आप इंग्लैंड जाएंगे, नॉन स्टॉप है T20 वर्ल्ड कप के, क्या आपके इसके ख्याल है सही भाई के पास पहले, फिर मदन सर एंड देन विक्रांत। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, नो टाइम लाइक नाउ, नो टाइम लाइक नाउ, अब भी शुरुआत करनी चाहिए। मतलब अगर संडे की मैच से करनी है, वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। अगर वहीं से हम शुरुआत करेंगे कि हमारी जो अप्रोच है बैटिंग करते वक्त, पहले 10 ओवर की जो पावर प्ले है वहां पे जो अप्रोच है, फिर आखिरी 10 ओवर की जो पावर प्ले है वहां पे जो अप्रोच है, वो सब हम उस हमें थोड़ा सा और अग्रेशन दिखाना चाहिए। अगर वहां पे हमने अग्रेशन दिखाया कि और पहले 10 ओवर में हमारी स्कोरिंग रेट 70-80 तक पहुंची है, तो बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद में जो आपकी 20 ओवर्स होती है, जहां पे आपके पास मतलब 5 फील्डर होते हैं ऑपोजिशन के पास सर्कल के बाहर, फिर उस वक्त आपको सिंगल या दो या कभी कभी ये चौके छक्के, वहां पे कॉन्सेंट्रेट करके आप रन बना सकते। पर हाँ, रीबूट तो करनी है, रीलुक भी करनी है अप्रोच की, और वो अगर करेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। साउथ अफ्रीका ने भी माकरम का अच्छा अच्छा उपयोग किया दोनों मैचेस में, बॉलिंग उनकी ऑफ स्पिन की जो उन्होंने जिस तरह का उपयोग किया, वैसा हमारी टीम को भी देखना होगा कि क्या स्पिनर को जल्दी ले आए। ये सारी चीजें हैं, इस पर बहुत बहुत ध्यान रखकर कल परसों के मैच से आप शुरुआत करिए। चाहे परसों के मैच में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, पर अगर आपकी एक बार थिंकिंग बन गई तो फिर आगे जाकर जो वेस्ट इंडीज की श्रृंखला बननी है और श्रीलंका की श्रृंखला बननी है, वहां फिर आप कुछ दिखा सकते हैं।